कोरोना वैक्सीन अमृतसर पहुंच गई है। वैक्सीन इत्थे रीजनल वैक्सीन स्टोर च रखा जाएगा। पूरे पंजाब विच केवल तीन ही सेंटर बनाए गए ने, जिन्हां विचों होशियारपुर, अमृतसर ते फिरोजपुर जिक्रयोग ने। तुहानू दस दिने अमृतसर के सिविल हस्पताल च वैक्सीन स्टोर बनाया गया ते इत्थे हैल्थ वर्करां नू वैक्सीन लगेगी ते इत्थे तीन कमरे बनाए गए ने। पहला कमरा वेटिंग रूम जदों कि दूजे च वैक्सीन लगेगी। इस दे नाल ही 6 सीसीटीवी कैमरिया नाल लैंस इस सेंटर की सुरक्षा लिए पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात किए गए ने। यानी कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षा के साए च रहेगी। इस तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर ने भी साढ़े को 20,000 जी रजिस्टर हो चुकी है। 26 जी साइट्स ने अमृतसर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया गई ने, जिद बाकी लोकल भी सिटी साइट्स है। 6 जी साइट्स ने रूरल दी हो गई। असी 16 जनवरी जी है इनू वैक्सीनेशन जी स्टार्ट हो जाएगी, जिद असी गुरु नानक देव गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमृतसर से एस जी आर डी वाला विखे जी है फर्स्ट फेज स्टार्ट किया जाएगा जी। ये वैक्सीन जी है 18 साल तो उपर दी जानी है, तो जे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पोर्टल उपर रजिस्टर्ड ने हेल्थ वर्कर उन्होंने दी जानी। उस तो बाद किन्ने सर चरण तक दी जाएगी? बाकी चरण में जिवें फ्रंटलाइन वर्कर ने उन्होंने जो पैरामिलिट्री फोर्स ने, मिलिट्री फोर्स पुलिस फोर्स ने या सैनिटेशन वर्कर ने सैकंड चरण उन्होंने दी जानी है। उस तो बाद जो 50 ईयर्स तो घट लोग ने जिन्होंने कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज या कोई कोमॉर्बिडिटी हैगी, जो रिस्क फैक्टर है उन्होंने दी जाएगी। तो उस तो बाद जो 50+ के लोग उन्होंने दी जाएगी। नहीं फिलहाल जो पोर्टल की एंट्री जिस तरह सा दस रहा है कि 20,044 बंद हेल्थ केयर वर्कर भी हुई है, उन्होंने 20,800 डोज साढ़े को पहुंच चुके हैं। सेंटर कितने बनाए गए हैं? टोटल 26 सेंटर बनाए गए हैं। तैयार हुई है, बिल्कुल सरकार वालों ऑलरेडी कह चुका है। माध्यम राही मैं भी लोगों कहना चाहना कि वैक्सीन जी है बिल्कुल सेफ हैगी, पर उसके बावजूद जो सानू जो है मास्क पर सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन इन नियमों की जी पालना करते रहना चाहिए। रूल की होंगे जी लगाने तो बाद कितने रूम बनाए गए? तीन जो रूम ने बनाए गए ने, हर जगह से 3 रूम बनाए गए ने। एक जिथे स्क्रीनिंग होनी है, जिथे वैक्सीनेशन होनी है, ऑब्जरवेशन रूम, ताकि वैक्सीन तो बाद जो अद्धा घंटा घट तो घट जो है वो जो जिन्होंने वैक्सीन लगती है उत्थे वेट करेगा। तो उत्थे डॉक्टर की जी टीम हैगी एक एमरजेंसी मेडिकल टीम का इंतजाम किया गया, जो उन्होंने कोई प्रॉब्लम होंगी है छोटी मोटी भी उस तुरंत वह इलाज किया जाएगा। बाकी एंबूलेंस का हर स्टेशन अटैच कर दी गई है, जो कोई होर प्रॉब्लम होंगी है तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। टोटल कितना टाइम लगेगा जी लॉन तो बाद वैक्सीन देने तो बाद? हां जी।